हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पॉइंटिंग। हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल फॉर पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या है? जब भी ब्रिक वर्क की वॉल हम लगाते हैं, वॉल के दरमियान जो गैप होता है वर्टिकली हॉरिजेंटली 10 mm 12 mm डीप, उसकी जो है स्ट्रक पॉइंटिंग की जाती है। उसको एक खूबसूरत अंदाज में, जिसको दराजी भी हम कहते हैं, वो की जाती है, उसको पॉइंटिंग कहते हैं। उसके लिए जो मटेरियल कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज टेकन एज 0.60 क्यूबिक मीटर फॉर 100 स्क्वेयर मीटर। यानी 100 स्क्वेयर मीटर्स के लिए अगर आपके पास ये वॉल है, उसका जो एरिया है, जो वॉल का एरिया बनता है, अगर वो 100 स्क्वेयर मीटर है, तो उसके लिए जो ड्राइव वॉल्यूम आपको चाहिए, वो ड्राइव वॉल्यूम आपको चाहिए 0.60 क्यूबिक मीटर। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पास जो वॉल है उसका जो एरिया है 50 स्क्वेयर मीटर है। उसके लिए मैंने पॉइंटिंग के लिए मैंने मटेरियल जो है वह कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 100 स्क्वेयर मीटर्स के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 0.60 क्यूबिक मीटर। इतना हमें ड्राइव वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर मैं 50 स्क्वेयर मीटर जो है के हिसाब से कितना मुझे ड्राइव वॉल्यूम चाहिए, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। ड्राइव वॉल्यूम के लिए 0.60 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 100, ये देखें 0.60 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड 100, ये मेरे पास आ जाएगा 0.30 क्यूबिक मीटर्स। रेशो है हमारे पास, रेशो है 1:2 की। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सीमेंट। वन क्या है? सीमेंट। टू क्या है? सैंड। वन सीमेंट हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो 1 + 2 = 3 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम क्योंकि मैंने अज्यूम किया है 50 स्क्वेयर मीटर, मैंने 50 स्क्वेयर मीटर के ऊपर जो ड्राई वॉल्यूम मेरा आया है वो आया है 0.30 क्यूबिक मीटर। ये देखें 0.30 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो 3, ये मेरे पास आ गया है 0.10 क्यूबिक मीटर। ये मेरे पास आ गया है सीमेंट। अब मैंने इसके बैग्स निकालने हैं, बैग्स के लिए डिवाइड कर दूंगा 0.0347, डिवाइड किया 0.0347, ये मेरे पास बैग्स आ गए हैं 2.88 बैग्स से 3 बैग्स। अब 0.0347 ये कैसे आया है? ये फार्मूला है वॉल्यूम का, मास और डेंसिटी। मास
एक सीमेंट बैग का जो वेट है वो है 50 kg, डिवाइडेड सीमेंट की जो डेंसिटी है वो है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। 50 / 1440 ये मेरे पास आ गया है 0.0437। जिसके ऊपर मैंने डिवाइड किया और बैग निकाले हैं। अब बात करते हैं सैंड की। सैंड के लिए 2 है 1:2 की रेशियो है, 2 / सम ऑफ रेशियो 3 × ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम 50 स्क्वायर मीटर के ऊपर जो मेरा ड्राई वॉल्यूम है वो है 0.30 × 2/3 ये मेरे पास आ गया है 0.20 क्यूबिक मीटर जो है ये सैंड आ गई है। अब इसका चेक ये है कि 0.20 + 0.10 दोनों को अगर मैं सम करूँगा तो मेरे पास जो ड्राई वॉल्यूम है 0.30 वो आ जाएगा। ये इसका चेक है। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे।